बगहा में गंडक नदी कई जगहों पर तेजी से कटाव कर रही है। बगहा नगर के वार्ड नंबर 16 पारस नगर में गंडक नदी कटाव करते हुए लोगों के घर के पास पहुंच गई है। पारस नगर के लोगों के अंदर डर का माहौल बन गया है। लोगों की रातों की नींद उड़ गई है। रात में गंडक नदी के पानी की आवाज और लगातार गिर रहे बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े से लोगों की नींदें कोसों दूर चली गई है। रात में रद जगा कर नदी के तट को देख रहे हैं। लोगों के अंदर ये डर बना हुआ है कि अचानक नदी जमीन के बड़े भूभाग को दबा न ले। लोगों के अंदर जनप्रतिनिधियों और जल संसाधन विभाग के प्रति आक्रोश है। कटाव रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से केले के खंभे और कुछ पेड़ों की डालियों को डालकर खाना पूर्ति किया जा रहा है। परेशानी ये बाकी कटाव जारी बा ज्यादा। यहाँ के जनता सब सोरे नंबर वार्ड पारस नगर के सब जनता तबाह बा। आज एक महीना से हम लोग ये झेल रहे हैं सब है ना। कोई एजा अधिकारी ना आये हमने के भी विधायक जीता के का कोई नहीं जा। हमने के जे एम पी के जीता का कोई नहीं। आज लेके वो झांकी पारे ले ना आई है एगो गिरल बा। अभी तो समझे कि सरकार के पत्थर सब गिर गई बा। अब जनता के गिरल शुरू भइल बा। कटाव की स्थिति में जो बोरा लिया गिराओ तो बोरा सब दई जाता। कोई नेता कोई मंत्री चाहे कोई देखे नहीं के अधिकारी एगो अधिकारी आओ तो बोरा ले आओ तो गिराओ तो चल जा दई जाता। हमने इतना ना आवाज़ देता नदी जो हमने के घर में ले गुजरता वही नहीं के लागत डर नींद नहीं के पड़त। रात भर हमने नदी किनारे देखो तन जा दौड़ तन जा घूमत नहीं जान। बता दें कि बगहा अनुमंडल के ठकराहा स्थित मोतीपुर पंचायत के मिश्र टोला और हर खटोला के पास गंडक तेजी से कटाव कर रही है। यहाँ से गांव और गंडक के बीच में 15 से 20 मीटर की दूरी बच गई है। वहीं नगर के वार्ड नंबर 15 में भी तेजी से कटाव हो रहा है। ऐसा लगने लगा है कि गंडक नदी बगहा में मानव के लिए संकट बन जाएगी। तो यहाँ पे कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि पानी का रफ्तार एकदम कम हो चुका है। कटाव एकदम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे अभी अधिकारी कोई आ रहा है बस देख के चला जा रहा है। यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं हो रहा है। एक्चुअली कटाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। पानी का रफ्तार एकदम तेज़ बढ़ता जा रहा है। और बाकी यही कि कटाव कभी भी आ सकता है। पास में कभी भी घर यहाँ पे कट सकता है क्योंकि कटाव इतना ज़्यादा चल रहा है कि कोई बता नहीं सकता। अभी के डेट में जो भी आ रहे देख के बस चले जा रहे हैं। अपने तरफ से तो कुछ कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। कटाव का रफ्तार रुक नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा चल रहा है यहाँ पे जी। कटाव की स्थिति अभी जल स्तर नीचे गई बाद से भी कटाव की स्थिति अभी बनल रहा बा। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा हो गई बा कि अभी कोनो संभव नहीं है। कोनो ठोस काम अभी तक में ना हुई जैसे कि हम पूरा पारस नगर वासी तबाही और परेशानी में पड़ल बनी जा। और से हमने के अभी तक ना में कोई अथी विधायक आई लो आ ना कोई एमपी आई लो ना कोनो बड़ा अधिकारी आई लो कि हमने के कोनो समस्या के हल मिले और हमने के संतुष्टि मिले। ऐसे कि पूरा हमने के जनता में आक्रोश बा यहाँ कि अभी तक हमने के कोनो सुझाव आ ठोस काम ना भइल। रात भर हमने के जाग के सुबह करते नहीं जा का करी जा। गरीब आदमी बन जा प्लास्टिक कोड़ के तो बानी जा। अच्छा। देखते बानी चल के घरों के वीडियो ले ली गरीब आदमी के तर करता देखत बटल बानी के तर करता एकदम में कटता कतो आयल गईल गरीब आदमी मजूरियो कैल हमनी के हेती भइल बा। हाँ रात भर तो नदी रखौते बानी जा। राति के तो अंगी नहीं खे लाग सुतत नहीं खी जा केने जाए जा बताई गरीब आदमी आ कौन होता। ये तो बोरी भरत आलो बोरी गंगा जी ले जाता रही।